इस रील को अगर स्किप कर दोगे तो यू विल मिस आउट ऑन द इंटरेस्टिंग थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द रबर बैंड और कैसे ये फ्यूचर के रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स को डिजाइन करने में हेल्प करेगा। एंड बाय द वे, ये हमारे पोर्शन का हिस्सा है। तो मैंने आपको हमारे पिछले रील में एक सवाल पूछा था कि एक रबर बैंड जब स्ट्रेच करेगा तो वो स्पॉन्टेनियसली हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे स्ट्रेच होगा। तो हमने ये देखा था कि इसको खींचना, इसको स्ट्रेच करना, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि डेल्टा एच इज नेगेटिव। एंड ऑल्सो रबर बैंड की जो एंट्रोपी है ये कम हो जाती है, यानी कि डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव। तो अगर इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, मैं क्लियरली देख सकता हूं दैट एट अ लोअर टेम्परेचर डेल्टा जी विल बी नेगेटिव, यानी कि एक रबर बैंड स्पॉन्टेनियसली स्ट्रेच होगा एट अ लोअर टेम्परेचर। इस चीज को हम एक्सपेरिमेंटली भी देख सकते हैं। अगर हमारे पास एक रबर बैंड है और उस पर एक फिक्स्ड लोड लगाकर हम ये मार्क करें कि रबर बैंड कितना स्ट्रेच हो रहा है, फिर उसी रबर बैंड को अगर हम गर्म करें और उस पर दोबारा से उस लोड को लगाएं, तो हम ये देख सकते हैं कि एट अ हायर टेम्परेचर रबर बैंड इतना स्ट्रेच नहीं होगा। अब ये जो प्रॉपर्टी है रबर बैंड की कि जब हम इसे स्ट्रेच करते हैं तो ये एक्सोथर्मिक है, और जब हम इसे अनस्ट्रेच करते हैं, यानी कि जब इसको छोड़ देते हैं, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस चीज को हम एज अ रेफ्रिजरेंट यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इलास्टोकैलोरिक कूलिंग। सोचो, एक रेफ्रिजरेंट का भी तो यही काम होता है, एक जगह से हीट अब्सॉर्ब करके दूसरे जगह पे हीट रिलीज करना, राइट? तो वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेंट्स। तो इस इलास्टोकैलोरिक कूलिंग में क्या होगा, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेंट्स हीट को अब्सॉर्ब करें, हीट को लिबरेट करें, और हमें ऐसे रेफ्रिजरेंट्स यूज करने की जरूरत ना पड़े जो एनवायरमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग को टैकल कर सकें। तो यानी कि थर्मोडायनेमिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट स्टडिंग, इट इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग आर रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स मोर एंड मोर सस्टेनेबल। ऑफकोर्स आज के डेट में ये टेक्नोलॉजी बहुत ही न्यू है, अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, पर हो सकता है इफ एवरीथिंग गोज राइट इन द कमिंग फ्यू डेकेड्स वी माइट एक्चुअली सी सॉलिड स्टेट रेफ्रिजरेंट्स। इससे रिलेटेड मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा, आई एम श्योर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें, और जरूर हमें बताएं कि अगला वीडियो हम कौन से टॉपिक पर बनाएं। थैंक यू सो मच।